नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदार की पूंजी पर ब्याज, साझेदार जो फर्म के अंदर जो अपनी पूंजी लगा रहे हैं उनको उस पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो वो किस मेथड से दिया जाता है, उसकी कैलकुलेशन की क्या मेथड रहेगी, अपन को इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज। इसमें फॉर्मूला होता है, देखिए आप देख लीजिए, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉस प्लस ट्रॉय। आपको प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक चीज दी हुई मिलेगी। अब देखिए, हम हमेशा एक बार धारक में है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है, तो हमें हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ होना जरूरी है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होना जरूरी है। अगर किस्त में हमें दे रखी है तो ठीक है, वरना हम इस मेथड से ओपनिंग कैपिटल को फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। इस मेथड से हम, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल जब आ जाएगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वह कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। तो इससे हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे जो आएगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट मेथड। इसमें तो आपको कैपिटल ऐसी स्थिति में जब मतलब स्टार्टिंग में आपको कैपिटल दे रखी है, एक दूसरी कंडीशन भी होती है, दूसरी स्थिति में इसमें क्या होता है, कैपिटल अलग अलग डेट को आपको लगाई जा रही है। ठीक है, जैसे एक जनवरी को उसने इतनी कैपिटल लगाई, फिर एक मार्च को भी कैपिटल लगाई, फिर मतलब एक अंतराल के बाद वो पूंजी लगा रहा है व्यवसाय के अंदर। एक जनवरी को लगाई, एक मार्च को लगाई, एक जुलाई को भी लगाई, एक सेप्टेम्बर को लगाई, ऐसे जैसे आपको अंतराल के बाद कैपिटल पूंजी लगा रहा है। तो इस स्थिति में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, तो जितने महीने जितनी पूंजी रही है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक जनवरी को उसने कितनी पूंजी लगाई थी और वो कब मतलब अगले पूंजी तक का टाइम यहाँ पर आ जाएगा, कितने मंथ तक वो पूंजी रही, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या है, प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर प्रोडक्शन का टोटल कर लो, साल भर में उसने कितनी पूंजी लगाई और कितनी पूंजी कितने महीने तक रही, ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोडक्शन आ जाएगा, मतलब गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इंटरेस्ट और कैपिटल फाइंड कैसे करेंगे, टोटल प्रोडक्शन, टोटल जो प्रोडक्शन यहाँ पर आएगा उसको यहाँ पर ले लेंगे, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12 महीनों से कर देंगे उसको, तो हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, एकदम सरल है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा, बहुत इजीली आपको याद रहेगा। अब आगे देखिए, इसमें कुछ स्थितियाँ लागू होती हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। देखिए स्थिति पहले, इसमें साझेदारी संलेख अगर नहीं बना हुआ, अगर साझेदारी संलेख जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा भी था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भी था, साझेदारी संलेख अगर नहीं बना हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगली स्थिति है, लाभों पर प्रभार अगर नहीं है, अगर लाभों पर प्रभार नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन क्या रहेगी, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस प्रकार से दिया जाएगा वो पढ़ेंगे। इसमें तीन स्थिति उत्पन्न होती है, ये तीन स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति है हानि हो रही है, बाई चांस बिजनेस के अंदर आपको हानि हो गई, आपको लॉस हो गया, तो उस स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं देना पड़ेगा, इसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ये कब होगा, जब लाभ अगर प्रभार नहीं है। अगली स्थिति क्या है, अगर प्रॉफिट आपका 1,00,000 रुपये हो रहा है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 रुपये बन रहा है, तो आप 80,000 आराम से पे कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, इजीली हो जाएगा। अगर आप जो प्रॉफिट 1,00,000 का हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 बन रहा है तो आप चुका दोगे। फिर अगली स्थिति, प्रॉफिट अगर 50,000 रुपये हो रहा है, प्रॉफिट 50,000 रुपये हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 80,000 रुपये बन रहा है, प्रॉफिट 50,000 हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 80,000 होता है, तो हम क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट है
50,000 का, इसी को कैपिटल रेशियो के अंदर अर्थात पूंजी के अनुपात में पार्टनर से होंगे उनमें बांट देंगे, उनमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यह तो हो गई पहली स्थिति, सॉरी सेकंड। इसमें अगर लाभ पर प्रभाव नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस प्रकार से दिया जाएगा। इसके आगे थर्ड नंबर पर देखिए, जब लाभों पर प्रभार हो, जब लाभों पर प्रभार हो तो सेम तीन स्थितियां उत्पन्न होती है। इन तीनों स्थितियों के अंदर क्या क्या प्रक्रिया रहती है वो देखिए। अगर हानि हो गई, बिजनेस में हानि हो गई, तो इसमें जब अगर हानि हो गई तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे पार्टनर्स को। लेकिन जब लाभों पर प्रभार होता है तो हानि की स्थिति में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ठीक है, इस स्थिति में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर्स को देना पड़ेगा। फिर अगली स्थिति प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट 1,00,000 का हो रहा है, 1,00,000 का सपोज करो 1,00,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 बन रहा है, तो आप चुका दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ईजिली। फिर अगली स्थिति प्रॉफिट अगर 10,000 रुपये का हुआ है, मान मैंने एज्यूम किया, कल्पना करो कि मान लो आपके बिजनेस में 10,000 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 बन रहा है, तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर्स को देना पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। इस ऐसी स्कीम क्या हो जाएगा, जो लॉस हो जाएगा तो वो लॉस पार्टनर्स में आप उनके रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अर्थात कार्य पर ब्याज। अगर कोई साझेदार अपने निजी खर्चों के लिए अपनी फर्म से पैसा निकाल रहा है तो उस पर एक ब्याज लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। इसमें करना है कुल आहरित राशि, जितना उसने ड्राइंग किया है वो कुल आहरित राशि टोटल ड्राइंग अमाउंट आ जाएगा। फिर किस रेट से आप इंटरेस्ट लगा रहे हो आ जाएगा। फिर औसतमा याद कर रहे हो बटा 100 × 12। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें तीन कंडीशन अप्लाई होती है। एक वो आरंभ कब कर रहा है, महीने के शुरू में कर रहा है, 1 तारीख को कर रहा है, या महीने के बीच में कर रहा है, या महीने के एंड में कर रहा है। अब देखिए इसमें तीन कंडीशन, अगर वो पहली तारीख को कर रहा है, फर्स्ट 1 तारीख को अगर वो कर रहा है आरंभ, तो उसमें जो रेट लगेगी वो रेट लगेगी आपकी 6.5% स्टार्टिंग में। अगर वो महीने की पहली तारीख को आरंभ कर रहा राशि, तो उसकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइव होगा उसकी रेट होगी 6.5%। अगर वो 20 तारीख को रहा, मतलब 15 तारीख को, तो उसकी रेट हो जाएगी 6%। अगर वो लास्ट को बना जैसे 30 तारीख को बना 13, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 5.5%, अर्थात ये डाउन हो जाएगी। ये आपको बस तीन चीज़ें आपको याद करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करने के लिए आपको तीन रेट आपको याद करनी और इजी हो जाएगी। क्योंकि अगर फर्स्ट, क्योंकि आप हाफ हाफ लेस करते जाओगे, 6.5 फिर 6 फिर 5.5, आराम से आपको याद हो जाएगी। इस मेथड से अपन रेट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं।